देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर 1 नवंबर सोमवार को स्वर्गीय कुंज बिहारी गोयल की प्रथम स्मृति में श्री श्याम परिवार के तत्वाधान में तृतीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। स्वर्गीय कुंज बिहारी गोयल ने सामाजिक कार्यों में जीवन भर समर्पित होकर कार्य किया था। उनके कार्यों की आज भी जनता के दिलों में अमिट छाप है, जो भी कभी भुलाई नहीं जा सकती। इनके पुत्रों राजेश, प्रमेश व लोकेश गोयल में भी पिता कुंज बिहारी गोयल के गुण विद्यमान है। ये भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए क्षेत्र में समाज सेवा के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। पुत्रों द्वारा पिता की प्रथम पुण्यतिथि में श्री श्याम परिवार नावा के तत्वाधान में तृतीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रभु नाम स्मरण के लिए विशाल भजन संध्या का आयोजन सामरिया भवन में रखा गया है। इस भजन संध्या में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम कलाकारों द्वारा अपने सुभद्र भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी, जिसमें गायक कलाकार उमा लहरी जयपुर से एवं शुभम व रूपम बाजोरिया कलकत्ता से कर्णप्रिय व मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां देकर माहौल को भक्तिमय बनाएंगे। इस भजन संध्या में श्री खाटू श्याम बाबा की भव्य नौका विहार व सुगंधित फूलों की झांकी सजाई जाएगी, जो मनमोहक होने के साथ साथ सुंदरता की मिसाल होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ गोयल परिवार के द्वारा पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। श्री श्याम परिवार द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर श्याम परिवार के सदस्यों व कस्बे वासियों में उत्साह देखते ही बन रहा है। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।